साधारण वेशभूषा पहनते हैं वो, और अपना जीवन जो है वो सरल तरीके से व्यक्ति बिता रहे हैं। बच्चों सिर के ऊपर जैसे कबीरपंथी होते हैं वैसी टोपी धारण करते हैं। ये कबीरपंथी कौन होते हैं बच्चों? कबीर जी को मानने वाले कबीरपंथी कहलाते हैं। क्लास नाइन्थ में आपने कबीर की साखियां और दोहे पढ़े थे, ठीक है? तब भी हमने कबीर जी के बारे में पढ़ा था। मैं दोबारा से बिल्कुल संक्षेप में दो पंक्तियों में आपको कबीर जी के बारे में बता देती हूँ कि वो कौन थे और उनका जीवन कैसा था। कबीर जी भी बच्चों साधु कहलाते थे, संत कहलाते थे, वास्तव में तो वो समाज सुधारक थे। उस समय बच्चों समाज में धर्म को लेकर के हिंदू और मुसलमानों में बड़ा भेदभाव था। जुलाहे दंपत्ति के पुत्र थे और खड्डी पे कपड़ा बुना करते थे, दोहे गाते थे, अच्छी बातें बताते थे, दूसरों को समझाया करते थे सभी को कि समाज में प्रेम प्यार से रहना चाहिए, धर्म को कभी भी आड़े नहीं लाना चाहिए और मानवता ये सबसे बड़ा धर्म है, ये सबको सिखाया करते थे। जब वो भजन सुनाते थे, दोहे गाते थे बच्चों, तो हर वर्ग संप्रदाय के लोग वहां आकर के बैठा करते थे। किसी विशिष्ट संप्रदाय से आते हो ऐसा नहीं था। और दोनों ही लोगों को समझाते हुए, हिंदुओं को समझाते हुए उन्होंने दोहा कहा। हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं, यहाँ उन्होंने कटाक्ष किया बच्चों कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ते चक्की भली पीस काए संसार। अर्थात अगर पत्थर पूजने से भगवान की प्राप्ति होती है तो मैं तो पहाड़ की पूजा ना कर लूं, मुझे भगवान जल्दी मिल जाएंगे। छोड़ा मुसलमानों को भी नहीं, कटाक्ष उन पर भी किया कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए और तापर मुल्ला बांध दे बहरा हुआ खुदाई। ईश्वर बहरा थोड़ी है कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद बना ली और इतने ऊंचे स्वर में अजान करते हो। मौन रहकर, शांत रहकर, मनन करके, आत्मचिंतन से भी ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, दूसरों की भलाई करके भी ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तो मानवता को बड़ा धर्म माना बच्चों कबीर जी ने। और कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो हिंदू और मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे कि ये तो हमारे संत हुए, हम तो इनका क्रियाकर्म जो है अपने रीति रिवाज के अनुसार करेंगे। मूर्ख लोग थे, करते रहे झगड़ा। कहते हैं कि किंवदंती कहो या कुछ कि जब उन्होंने उस स्थान से चादर हटाई बच्चों तो वह शरीर ही नहीं था, वहां केवल थोड़े से पुष्प पड़े हुए थे। उन फूलों को ही उन्होंने आधे आधे बांट लिया और अपने अपने तरीके से, अपने अपने रीति रिवाज से उन्होंने उनका संस्कार किया। तो ये संत ही तो थे, पूज्य और पुण्य आत्मा ही तो थी जो सशरीर ईश्वर के पास पहुंची। ठीक उन्हीं का अनुकरण करते हुए बाल गोविंद भगत जी ने अपने जीवन को व्यतीत किया बच्चों, और सामाजिक कुरीतियों को भी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, ठीक वैसे ही जैसे कि कबीर जी ने। वापस आते हैं बाल गोविंद भगत के चरित्र पर कि वो कैसे थे। तो किसको मान रहे हैं बच्चों? वो कबीर जी को मान रहे हैं और उन्हीं की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। खेत खलियान गांव का चित्रण है बच्चों, वो गांव में रहते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। उनका साफ सुथरा छोटा सा एक घर है। प्रवृत्ति उनकी मैंने आपको बता दी कि वो कबीर जी को मानते हैं। कबीर जी ईश्वर के लिए साहब शब्द का प्रयोग करते हैं। हमने पढ़ा था मैं तो तेरे पास में, है ना? और खोजने के लिए कहां जाते? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। है कहाँ वो? वो तो हमारे अंदर है। साहब मानते हैं बच्चों और उन्हीं के गीत और उन्हीं के भजन गाते हैं। और
क्या करते हैं, उनका जीवन किस प्रकार से चल रहा है बच्चों, उनकी आदतें कैसी हैं, किसी की चीज को वो छूते नहीं है बिना पूछे, किसी की चीज को बिना पूछे प्रयोग में नहीं लाते हैं, किसी के खेत में नहीं जाना, यहाँ तक कि शौच के लिए भी अपने ही खेतों का इस्तेमाल करना, किसी के दूसरे के खेत में नहीं जाना, और जो कुछ भी उनका है वो कहते हैं मेरे पास जो कुछ भी आज की तारीख में है वो सब साहब का है, यानी कि ईश्वर का है। जो कुछ भी बनाते थे, जो कुछ कमाते थे, क्या था, कमाते क्या थे, खेती बाड़ी करते थे, ग्रामीण जीवन है उनका, खेत खलिहानों में काम करते थे। कहते हैं आषाढ़ की जब रिमझिम में, ठीक है, ऐसे में लेखक जो है अपने कबीर के पदों को सुनते हैं और लोग वो कबीर के पद गाते रहते हैं, उन्हीं को लोग सुनते हैं और मुग्ध हो जाते हैं। वर्षा ऋतु है, ऐसे में ही बच्चों खेतों में रोपनी करी जाती है, छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं जो बाद में बड़े बड़े खेत और खलिहान बन जाते हैं। तो बारिश का पानी है खेतों के अंदर, वहां पर बच्चे उछल रहे हैं, महिलाएं जो है वो पुरुषों में काम, जो खेतों में काम कर रहे हैं पुरुष, उनके लिए वो कलेवा लेकर के खड़ी हुई है। कलेवा किसको कहते हैं, कलेवा कहते हैं बच्चों नाश्ते को, जो हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं ना उसको, क्योंकि बड़ी अलग सुबह, बहुत अर्ली मॉर्निंग किसान लोग जो है वो खेतों में काम करने के लिए आ जाते हैं, और बाद में पीछे पीछे महिलाएं आती हैं उनके लिए कलेवा लेकर के, जिसे कि वो नाश्ते के रूप में काम करके जब थक जाते हैं तो उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धान, धान कहते हैं चावल को, धान की रोपाई कर रहे हैं, छोटे छोटे पौधों को रोप रहे हैं, बच्चे भी झूम रहे हैं, और वो खंजड़ी बजाते हुए जब वो भजन गाते हैं बच्चों, उस लय ताल और सुर के साथ मस्त होकर के सभी किसान जो है वो काम भी करते हैं, बिल्कुल मुग्ध हो गए हैं, ठीक है, बच्चे जो है वो मस्त हो गए हैं। कितना भी कैसा भी वातावरण क्यों ना हो, सर्दी हो गर्मी हो, अनवरत उनका जो है भजन का काम चलता रहता है। आकाश कैसा है, बादलों से घिरा हुआ है बिल्कुल, संगीत की धुन, और सभी कृषक जो है मस्त होकर के उस धुन के साथ ही मानो काम भी कर रहे हैं। कैसे भजन गाते थे, वही कबीर जी के भजन, प्रभातियां गाया करते थे बच्चों। कार्तिक के महीने में सर्दियां हो जाती है, नवंबर दिसंबर का महीना, प्रभातियां कहती हैं सुबह गाए जाने वाले भजन को, ठीक है, आज भी गाई जाती है नवंबर के महीने में, आप देखते हो सुबह सुबह लोग संगत लेकर के जाते हैं, घर घर जाते हैं और भजन गाया करते हैं। तो ये बड़ी पुरानी प्रथा है, सवेरे उठ करके 2 मील दूर नदी थी बच्चों, वहां स्नान करने के लिए जाते थे और पोखर के ऊपर वहां बैठ करके खंजड़ी बजाया करते थे। खंजड़ी एक प्रकार का बच्चों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो मंदिरों में बजाया जाता है, उसको बजाते थे और भजन गाते थे। दांत किटकिटाने वाली सर्दी है बच्चों दिसंबर, पर अपना नियम नहीं तोड़ा उन्होंने कभी भी, अनवरत, अनवरत माने बिना रुके लगातार उसी नियम से प्रतिदिन नदी पर स्नान करने जाना, खंजड़ी बजाना, भजन करना, ईश्वर को मनन करना, इस प्रकार का उनका नियम हमेशा चलता रहता है। गर्मियों में क्या करते थे, संध्या समय अपने आंगन में ही संगत करते, भजन करते, और गांव के लोग जो है वहां आकर के बैठ जाते और साथ साथ उनके सुर में सुर मिलाने का प्रयास करते, प्रेमी मंडली आ जाती, भगत लोग आ जाते और गाते साथ साथ उनके। कैसे गाते, गाते गाते इतना झूमने लगते थे बाल गोविंद भगत, नृत्य की मुद्रा
आरंभ हो जाती थी, कितने मस्त हो जाते थे। हम बार बार उनके लिए एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बाल गोविंद भगत साधु हैं। और हम समझते हैं कि साधु सन्यासी वो लोग होते हैं जो गृहस्थी का पालन नहीं करते। नहीं, देखो गीता में भी लिखा हुआ है बच्चों कि अपना कर्म करना है। हम अपने उत्तरदायित्व से, अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं कभी भी। अर्जुन का अगर हम उदाहरण दें, युद्ध के बीच में आकर के रथ बीच में खड़ा हुआ है युद्ध क्षेत्र में, और अपना धनुष बाण रख करके कहने लगे मैं तो युद्ध नहीं करता, क्यों? सामने मेरे मेरे ही भाई बंधु खड़े हैं, मेरे गुरुजन खड़े हुए, मैं इनको मार करके अगर इस जमीन के टुकड़े को हासिल भी कर दूंगा तो मैं ऐसा कौन सा तीर चला दूंगा। यहाँ भगवान कृष्ण ने उनको समझाया और कर्म का उपदेश दिया कि जिस व्यक्ति का जो कर्म है उसे उसका निर्वाह करना ही है। अगर आप राजा हैं, आपको प्रजा का निर्वाह करना है। अगर आप गृहस्थी हैं, आपको अपने परिवार का पालन करने के लिए आजीविका कमानी ही पड़ेगी, धनोपार्जन करना ही होगा। अगर आप इस परिस्थिति में आए हैं, अगर आपने परिवार बना रखा है तो उसका पालन करना आपका कर्तव्य है। आज कोई गृहस्थी गए भी मुझसे तो नहीं होता और घर द्वार छोड़ करके चल दें, तो पीछे परिवार के जो सदस्य हैं, जो आज 5-6 सदस्य उनके ऊपर निर्भर करते हैं, वो अपनी आजीविका एकदम से कैसे चलाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो बाल गोविंद भगत को कैसा दिखाया बच्चों? गृहस्थी दिखाया है, खेती बाड़ी करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, परिवार है उनका, पुत्र है उनका, उनकी पुत्र वधु है, जितनी भी खेती करते थे बच्चों, जो भी खेती बाड़ी करते थे, अंत में ड्राइंग नहीं बनाइए बच्चों और स्क्रीन पर नहीं लाइए, हाँ बच्चों बिल्कुल नियम से करते थे, नियम से करते थे बच्चों। अपने मेरे को किसी ने क्वेश्चन रेज किया है, क्या वो नियम से पालन करते थे? हाँ नियम से पालन करते थे, कभी अपने नियम में उन्होंने व्यवधान आने ही नहीं दिया। जब वो बहुत उम्र के हो गए बच्चों, तब भी वो 30 कोस गंगा नदी थी जहां जाने में 4-5 दिन लग जाया करते थे, तब भी उन्होंने उस नियम का निर्वाह किया। सर्दी हो गर्मी हो, अनवरत वो जाते रहे, गंगा नदी स्नान करते रहे। अमर नरवाल, अमन बेटा ये जितनी ड्राइंग वगैरह करनी है ना बेटा बाद में करना, अच्छा क्लास डिस्टर्ब नहीं करो क्योंकि सबके लिए हो रही है ना, ये बाद में करना, बी अ गुड बॉय। तो मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ कि 30 कोस जहां पैदल जाते थे, आज जैसे इतने यातायात के संसाधन नहीं थे, पैदल जाते थे, आते थे, और सबसे बड़ी बात घर से खा करके जाते थे और घर ही वापस आकर के खाते थे। जल के अतिरिक्त पूरे रास्ते कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। तो जो मैंने आपको शुरू में कहा कि कर्म से कोई साधु हो सकता है, अगर कोई गेरवे वस्त्र पहन करके कहे कि मैं साधु हो गया, मैंने तो संन्यास ले लिया, वो सन्यासी नहीं कहलाएगा। सन्यासी वो जो कर्मों का पालन, नियम का पालन करे, पर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागे। अब पुत्र है, पुत्र वधु है, तो परिवार तो बनाना ही पड़ा है, उसकी आजीविका उन लोगों के लिए धन भी कमाना है, तो वो खेती बाड़ी भी करते थे। और जब खेती बाड़ी करते थे और अंत में फसल जब पककर तैयार हो जाती थी बच्चों, तो कबीर जी के मठ थे वहां पर, तो उस मंदिर में ले जाया करते थे, ठीक है, और सारी सारी खेती जिसको गाड़ी में रखा और सारी की सारी जो है वो मठ में ले जाते थे और वहां
अर्पण कर देते थे, जो प्रसाद रूप में उनको वापस मिलता था, केवल उसी से अपना जीवन यापन करते थे, अपने बच्चों का जीवन चलाते थे। पर जो भी हुआ, सबसे पहले उन्होंने कहां दिया, साहब मठ में ईश्वर ने दिया है, ईश्वर को ही वापस उन्होंने समर्पित कर दिया। यह देखना है। भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है, जो पुत्र है ना बच्चों का, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या करते हैं भगत जी? जब भी किसी की प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो हम विलाप करते हैं, हमें दुख होता है, रोते हैं हम, क्योंकि वह हमारा प्रियजन था, है ना, हमारे परिवार का सदस्य था, ठीक है। पर वो क्या करते हैं अपने बेटे की मृत्यु पर, अपने बेटे को आंगन में लिटा देते हैं, चादर उड़ा देते हैं और अपने ही बगीचे में से फूल तोड़ करके उसके ऊपर डाल देते हैं और भजन गाते हैं। और पुत्र वधु, उनकी पतोहू जो है, वो विलाप कर रही है, वो रो रही है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब उसे भी क्या समझाते हैं कि ये रोने का समय नहीं है, ये तो उत्सव मनाने का समय है। जो आस पड़ोस के लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, वो भी विलाप कर रही हैं। तो वो सभी से क्या कह रहे हैं, क्या आग्रह कर रहे हैं बच्चों? रोना। विलाप का मतलब है रोना। दुख होता है ना जब किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तो दुख होता है, हम रोते हैं। तो वो भी रो रही है कि उसके प्रति की मृत्यु हो गई। पर कबीर जी के मानने वाले हैं गोपाल गोविंद भगत, तो क्या समझाते हैं उनको कि ये तो आत्मा से परमात्मा का मिलन है, इसलिए ये रोने का नहीं अपितु उत्सव मनाने का समय है, ठीक है, उत्सव मनाओ इस समय को। तो क्या करो, भजन गाओ, आनंद मनाओ, क्योंकि जो हमारे जीवन की अंतिम परिणति है, यानी कि जो बदलाव है, मनुष्य आखिर में इस मनुष्य शरीर से हम क्या चाहते हैं, हम कहां से आए हैं बच्चों? बड़ा यक्ष प्रश्न है, कभी ना कभी हमारे मन और मस्तिष्क में आता है, कहां से तो हम आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें कहां जाना है? तो ईश्वर के पास से आए हैं और जीवन की अंतिम परिणति भी ईश्वर के पास जाना है, पर वो कब सफल होगी, हम इस काम में कब पूर्ण होंगे? जब हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, उसको याद करेंगे, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करेंगे, लोगों के साथ छल नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे। इसलिए वो समझा रहे हैं, आज आत्मा का परमात्मा से मिलन है, ये इसलिए ये रोने का नहीं उत्सव मनाने का समय है। ये समय भी बीत जाता है और धीरे धीरे गृहस्थी की गाड़ी जैसे पहले चल रही थी वैसे चलने लगती है। पर मैंने आपको शुरू में कहा कि बाल गोविंद भगत जी ने सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया। जो हमारे यहाँ अगर आपने देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र उसका संस्कार करता है। हमारे यहाँ शमशान में जहाँ भी संस्कार किए जाते हैं वहाँ पुरुष जाते हैं, महिलाओं का जाना वहां पर वर्जित है, मना है, महिलाएं वहां जाती ही नहीं, क्योंकि स्वभाव से महिलाएं प्रकृति से कोमल हैं और शायद वहां का दृश्य देख करके उनके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़े, इसलिए हमारे यहाँ शायद ये परंपरा बनाई हो। पर बाल गोविंद भगत जी ने इस परंपरा को तोड़ा और अपने पुत्र का जो संस्कार था वो अपनी पुत्र वधू के हाथों करवाया। एक समाज में तो ये बदलाव लाने का उन्होंने प्रयास किया और दूसरी कोशिश उन्होंने ये की बच्चों
पुत्र वधु अब पहले कम उम्र की लड़कियों का विवाह हो जाता था, तो अब पूरा आजीवन जो है वो एक वैधव्य का, विधवा का जीवन व्यतीत करे, वो कष्ट में रहे, ऐसा न चाहते हुए बाल गोविंद भगत जी ने पुत्र वधु को उसके भाई के पास साथ वापस अपने घर जाने का अनुरोध किया कि तुम अपने भाई के साथ वापस घर चली जाओ और इसका पुनर्विवाह करो। उस समय तो ये सब करना बच्चों बहुत ही एक तरह से विद्रोह भी हो सकता था, लोग नहीं भी मानते कि नहीं भी हमारे समाज में तो विधवा विवाह प्रचलित ही नहीं है। अब उसके पति की मृत्यु हो गई तो उसको तो आजीवन ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो ये शेयर स्क्रीन मत करो बच्चों, स्क्रीन नहीं शेयर करिए, आप ही रहिए स्क्रीन पर। तो वो क्या चाहते थे कि उनके पुत्र वधु अब बाकी का जीवन, शेष जीवन जो है एक विधवा की भांति न व्यतीत करते हुए अच्छा जीवन व्यतीत करे। इसके लिए उन्होंने कौन है बच्चों, ये नहीं करिए, स्क्रीन नहीं शेयर करिए, बेटा नहीं करो ये, ऑन स्क्रीन आप खुद आइए। सौरभ ठाकुर, सौरभ ठाकुर ये मत करिए, क्लास इंटरप्ट हो रही है ना। तो उन्होंने बच्चों अपनी पुत्र वधु को क्लास से बाहर कर दूंगी, देखो बच्चों, और पूरे साल के लिए जो भी टीचर होगी ना सारी रिपोर्ट दे दूंगी, सबके फोन नंबर सब कुछ। नहीं करिए, मैं ये वाला पार्ट जो बच्चों अब यहीं पर रोकती हूँ, जो इसका शेष भाग है हम अगले में अगली क्लास में करेंगे। और इस पर जितना हमने पढ़ा है बस इसके आधार पर मैं आपको 5 प्रश्न भेजूंगी, आप करने क्या कोशिश करिएगा। सौरभ ठाकुर क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? ठीक है, तो 5 मैं प्रश्न भेजूंगी बच्चों, वो करना, जो नहीं समझ में आएगा अपनी क्वेरीज आप मेरे को लिख सकते हो, नहीं है तो आप अगली क्लास में मेरे से पूछना। वैसे पार्ट बहुत आसान था, पहले मैं आपको प्रश्न भेजती हूँ क्योंकि बहुत ही सरल पार्ट है, ठीक है, अनुच्छेद भेज दूंगी, अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न भेजूंगी ताकि आपको करने में सुविधा रहे, ठीक है। और जो भी आपके पास इस समय बच्चों कॉपी अवेलेबल हो आप एक बार उसी के ऊपर करना शुरू कर देना, नहीं तो काम बहुत पेंडिंग हो जाएगा। जो पुरातन पंथी धाराएं थी बच्चों, बिल्कुल होगी बच्चों,